जी सर हो जाएगा, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक रहा, अच्छा था, ठीक है। अरे अंकल मेरी बहन को पकड़ना जरा। क्या हुआ? अंकल आप ना मेरी बहन का ख्याल रखना। ख्याल रखना? अरे भाई तू कौन है? आप बस ख्याल रखना, ठीक है अंकल। अरे सुन तो, अरे कौन है तू? अरे अरे कोई है क्या? हेलो भाई, आ गए आप? ये बच्चा किसका है? मैं बता दूं? मुझे तो लगता है ना तुमने कहीं बाहर घर बसा रखा है। ये बच्चा तुम्हारा ही है, तुम इसको मेरे घर पे लेके आए हो। अरे क्या सुनो मैं, हे भगवान मेरी तो किस्मत फोड़ दी इस आदमी ने। पता नहीं कौन सी घड़ी में मेरी इसके साथ शादी हुई थी, इसने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, इसने तो मेरी नाक कटा दी। अरे बताओगे भी ये बच्चा किसका है? अरे भाग्यवान बोलने से पहले कुछ सोच लेना चाहिए। खड़े हो, मैं बताता हूँ सारी बात, खड़ी हो चलो। तुम ऐसा नहीं मानोगे, रुको तुम, तुम्हें देना मैं बताती हूँ अभी। अरे सुन सुन तो लो, बात तो बताने दो, ये कौन है? ये मेरी बेटी नहीं है, तुम्हें पता है इसको ना एक लड़का मुझे दे गया है। कोई देखा गया था? अरे कितना झूठ बोलोगे तुम, कौन दे जाएगा ऐसे बच्चों को? अरे तुम्हारी कसम, बच्ची की कसम, ये मेरी बेटी नहीं है। मैं तो रास्ते में जा रहा था, एक लड़का भागते हुए इसको मेरे को देखकर चला गया। अब तुम बताओ मैं इसे ऐसे रास्ते पे छोड़ देता इतनी रात को? कितना झूठा आदमी है, देखो मेरी तो कसम झूठी खा ही रहा है, साथ में अपने बच्चों को भी नहीं पकस रहा। देखो मुक्ता मैं तेरी कसम खा के कह रहा हूँ। अरे सुन तो, ये मेरी बेटी नहीं है, ये कोई देकर गया मुझे। अब मैं इसको कैसे छोड़ जाता? अब तो हमें इसे पालना पड़ेगा ना। एक काम करो, इसको है ना बाहर छोड़ आओ, मैं इसको इस घर में नहीं रखूंगी। अरे तुम्हारा दिमाग फिर गया क्या? तुम कैसे बोल सकती हो ये सब? ये बच्ची को इस रात में कहाँ छोड़ के आऊंगा मैं, ये हमारे साथ ही रहेगी। अरे इसका खर्चा कौन उठाएगा? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं जो हम इसको पाल लेंगे, अपने खर्चे ही पूरे नहीं हो पाते। एक काम करो, इसको अनाथ आश्रम में छोड़ो, मैं इस घर में नहीं रखूंगी इसको। तुम पागल हो गई हो क्या? अनाथ आश्रम में छोड़े हो मैं इसे? मुझे तो लगता है बड़े भाग्य से हमें मिली है। देखो मैंने डिसाइड कर लिया है, ये लड़की मुझे भगवान ने दी है और ये आज से हमारे ही घर में रहेगी, बेशक तुम इसे अपनाओ या ना अपनाओ। हम लेट जाएंगे, अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। अरे ऐसे कैसे कोई अपने बच्चे को अपने से दूर कर सकता है? कितनी प्यारी बच्ची है, कितनी सुंदर है। अगर मैं तेरे को नहीं लेकर आता ना तो पता नहीं आज तेरे साथ क्या होता। कितना तेज है ना इसके मुंह पे, इतना तेज है तेरे मुंह पे, तो आज से तेरा नाम तेजस्वी, मेरी तेजस्वी। रे तेजस्वी, ऐश बेटा आओ। अरे दे मेरा बेटा आ गया। देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। समोसे, मेरे तो फेवरेट है। डैडी। आहेश देख मैं तेरे लिए समोसे लेकर आया हूँ, दोनों बहनें मिलके खा लो, जाओ पकड़ो। आज आप फिर समोसे ले आए? आपको पता है ना मुझे समोसे बिल्कुल भी नहीं पसंद। बेटा ऐसे नहीं बोलते, मुझे ये समोसे नहीं खाने, मुझे समोसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इस घर में जो भी चीज आती है वो सारी इसी की पसंद के आती है, मेरा तो कुछ आता ही नहीं है। अरे हैश बेटा ऐसे नहीं कहते, तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो तो दोनों मिलके खा लो, कल मैं तेरे लिए कुछ और ले आऊंगा। मुझे पता है कल भी इस घर में कोई चीज आएगी वो भी इसी की पसंद की आएगी, मेरी पसंद की तो कोई चीज आती ही नहीं है। डैडी मुझे तो लगता है मैं तो आपकी बेटी हुई नहीं, सिर्फ वो ही आपकी बेटी। जाओ मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी।
बेटा है इसे। तेजस्वी आप ये लेके चलो, मैं भी आया। ठीक है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बुक को उठाने की? दे। मुझे भी बुक पढ़नी है, मेरे को भी अच्छा लगता है पढ़ाई करना। कोई जरूरत नहीं है मेरी बुक को हाथ लगाने की। प्लीज मेरे को पढ़ने दो। तूने मेरी बुक के पेज फाड़े? मैंने नहीं फाड़े। झूठ बोलती है, अभी बुलाओ मम्मी को। नहीं नहीं मैंने नहीं फाड़े। अच्छा झूठ बोलती है, अभी बुलाओ मम्मी को। मम्मी। अरे हाँ क्या बात है? मम्मी मम्मी तेजू ने ना मेरे पेज फाड़ दिए बुक के। नहीं मम्मी मैंने नहीं फाड़े। तूने नहीं फाड़े ये बुक? और मैंने तेरे को कितनी बार बोला है कि मेरी बेटी की बुकों को हाथ मत लगाया कर, पर तू है ना मानती नहीं है। रुक अभी बताती हूँ मैं तुझे। किसने फाड़े है ये पेज? तू नहीं फाड़े है ना? तू ऐसे नहीं मानेगी। सुन तेरे पापा ड्यूटी पे चले गए, जितना मौज मस्ती का टाइम था ना तेरा खत्म हो चुका है। जाके चुपचाप झाड़ू पोछा कर ले, नहीं तो ना तेरी हड्डी पसली है कर दूंगी। चल निकल। बेटा तू पढ़ ले। सुन तुझे दूध चाहिए? नहीं नहीं। ठीक है तू आराम से पढ़ ले। ठीक है पानी ले सकती हो, खुद ले लो। अच्छा ज्यादा जबान चल रही है तेरी। मुझे शायद पता नहीं है कि तुझे मेरे पापा उठाकर लेके आए हैं, और तू इस घर में कोई हिस्सा विस्सा नहीं है, समझी? तो देखो जितना बोला जाए ना उतना करा कर। अब आ रहा है ना मजा? और ले बेटा, अब आगे से ध्यान रखियो तू, कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं होना चाहिए। अब सुन अगर इसके पापा को कहने की हिम्मत करी ना तूने तो तेरे पर काट दूंगी, याद रखियो इस बात को।
चलो भाई ये भी सेंड हो गई। फाइनली लंच ब्रेक हो गया यार, कितना थक गया मैं, यहाँ भी काम से फुर्सत नहीं है। दो दिन हो गए मैंने घर पे बात नहीं की तेजू से, पूछूं तो सही क्या कर रही है। हेलो हेलो तेजू बेटा, हेलो मेरी आवाज आ रही है क्या? अरे अरे कुछ बोल तो सही तेजू। अरे तू रो रही है? अरे तेजू तू रो क्यों रही है बेटा? तो मुझे बता, अपने पापा को नहीं बताएगी? बता बता क्या बात है? कुछ नहीं। अच्छा मुझसे अब तू चीजें भी छुपाने लग गई? बता बता क्या बात है? बस आपकी याद आ रही थी पापा। बस इतनी सी बात है? याद तो मुझे भी तुम लोगों की बहुत आ रही है। दो दिन की बात है, मैं आ रहा हूँ, फिर खूब बातें करेंगे, ठीक है? ठीक है। अब रोना बंद कर दे और चिल मार, ठीक है? ओके पापा बाय। ओके। वाओ 90 out of 100, कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। पापा आएंगे ना, पापा को दिखाऊंगी, अब खुश हो जाएंगे। बस अब जल्दी से पापा आ जाए। ला पहले मुझे तो दिखा दे। ओ 90 out of 100। ये क्या कर रही हो तुम? मेरी आंसर शीट दे दो। चुप कर, ज्यादा चपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है। मम्मी को ये थोड़ी बताऊंगी कि मेरे 33 आए हैं और तेरे 90। मम्मी को अब ये पता चलेगा कि मेरे 90 मार्क्स आए हैं और तेरे 33। पर मार्क्स तो मेरे 90 आए ना। लगता तो ऐसे नहीं मानेगी, तेरा ना हमेशा का हो गया है। तुझे ना टाइम टू टाइम डोज की जरूरत होती है। जब तक मम्मी तुझे मार नहीं लगाती ना, तब तक तुझे समझ नहीं आती। वैसे भी तेरा ना हर बार का हो गया, तू मुझसे पंगे लेती रहती है और मैं तुझे मम्मी से पिटवाती रहती हूँ, लेकिन तू तब भी बाज नहीं आती। एक काम करती हूँ, अभी मम्मी को बुलाती हूँ। मम्मी मम्मी। क्या बात है बेटा, क्यों चिल्ला रही है? मम्मी ये देखो ना, तेजू मुझसे शीट एक्सचेंज करने के लिए बोल रही है, क्योंकि मेरे 90 out of 100 आए हैं और इसके 33। ये चाहती है कि पापा के सामने हमेशा ही अच्छी बनी रहे और मैं बुरी। नहीं मम्मी, इसका है ना बेटा बचपन से ये अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आती। जब देखो जब उल्टे काम करते रहना। तू कब सुधरेगी? एक तो मैंने तुझे इस घर में पना दी, उसका एहसान मानने की बजाय तू मेरी बेटी को ही नीचा दिखाती है। तू है ना ऐसे नहीं सुधरेगी। तेरी हमेशा से आदत है कि तू मेरी बेटी को नीचा दिखाती रहती है। तुझे हमेशा डोज की जरूरत पड़ती है, तू बिना डोज के नहीं मानेगी। अभी तेरी खाल उतारती हूँ, रुक तू अभी। अरे बच्चों, मुक्ता तेजू। पापा डैडी आ गए आप? देखा मैंने कहा था ना टाइम पे पहुंच जाऊंगा, पहुंच गया। डैडी ये देखो ना, मेरे 90 out of 100 आए हैं। अरे वाह क्या बात है। और तेजू तुम्हारे? पापा बोला है। अरे पापा इसके 33 आए हैं। तेजस्वी तुझसे मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी बेटा, पर कोई बात नहीं, अगली बार आ जाएंगे। अरे पापा आपको तो पता ही है मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ। कोई बात नहीं, अगली बार अच्छे नंबर ले आना, ठीक है? अब सारी बातें यहीं पे हो जाएंगी या अंदर भी चलोगे? अरे ये मेरे को छोड़े तो मैं जाऊं। चल बेटा अंदर चलते हैं। सुनो जी, मुझे है ना तुमसे एक बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। अब वो लड़की है ना मेरे से बिल्कुल भी सहन नहीं होती, मैं नहीं रख सकती अब उसको अपने घर पे। क-
किस लड़की को? अरे वही जिसको तुमने रास्ते पे से उठा के और मेरे सिर पे बिठा दिया। किसकी बात कर रही हो तुम? और किसकी बात करूंगी मैं, तेजू की बात कर रही हूँ। मुक्ता, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि वो हमारे घर का सदस्य है। और सुनो, अगर तुम्हें कुछ दिक्कत भी है ना, बैठ के बात करते हैं ना। आओ बैठो। सुनो, वो लड़की है ना, मुझे एक आंख नहीं भाती अब। क्या हुआ ये बताओ। क्या बताऊं मैं आपको, आपको खुद नहीं दिखता। जब से उस लड़की को लेके आए हो, मेरे सिर में दर्द हो चुका है, मैं उसको बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती। पापा। अरे तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हुई हो? तुम्हें पता है कितनी अच्छी लड़की है, कितनी लकी है हमारे लिए। जब से उसके पैर इस घर में पड़े हैं ना, हमारा बिजनेस कितना चल पड़ा है, कितने पैसे आ रहे हैं। लकी है वो हमारे लिए भाई। सदस्य मानी होगी आपने, मैंने नहीं मानी। और तुम ये क्यों नहीं सोचते कि ये खुशियां हमारी बेटी की वजह से भी आ सकती है? हाँ हाँ, वो भी हमारे लिए लकी है, पर तुमने ध्यान नहीं दिया। जब से तेजस्वी हमारे घर पे आई ना, तब से कुछ अलग ही हो रहा है। पता नहीं तुम उसे क्यों नहीं पसंद करती। आप खुद ही देखो ना, ना तो वो पढ़ने लिखने में है, 33 नंबर लेके आई है। ज्यादा नंबर है क्या ये? कितने कम नंबर है। और दूसरी बात, वो हमारी हैस को हमेशा टारगेट बनाती रहती है, हमेशा नीचा दिखाती रहती है। अरे जाने दो, बच्ची है, ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। देखो जी, वो कोई बच्ची बच्ची नहीं है, वो मेरे से भी लंबी है, वो पूरी टांड हो चुकी है। और उसको है ना, आपके लाड प्यार ने बिगाड़ रखा है। अब मेरे सिर से ना पानी उतर चुका है। तो फिर तुम चाहती क्या हो? मैं ये चाहती हूँ कि उस लड़की को इस घर से निकालो, ठीक है? अरे किसी हॉस्टल में डाल दो, किसी सस्ते से कॉलेज में डाल दो, उसको वहीं पे पढ़ लेगी। मैं बस उसको देख नहीं सकती अब उसको। चलो ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ, बात करता हूँ उससे, ठीक है? अरे भाई तू है तो मुझे चिंता किस बात की, मुझे पता है काम तो हो ही जाएगा। थैंक्स यार। हाँ हाँ, डॉक्यूमेंट्स तो मैं तेरे को अभी भिजवा दूंगा, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू। पापा, आपकी मॉर्निंग कॉफी। अरे मेरा बेटा उठ गया, थैंक यू सो मच। तेजू बेटा, मुझे तुझसे एक बात करनी है। बोलो पापा। देख बेटा, तुझे घर की सारी कंडीशन तो पता है, तेरी माँ, तेरी बहन, ठीक है? तो मैंने डिसाइड किया है। क्या? कि तुझे किसी हॉस्टल में और नए कॉलेज में करा देता हूँ। ठीक है पापा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे तू पूछेगी नहीं कौन से हॉस्टल में, कौन से कॉलेज में, कहाँ भेज रहा हूँ? कुछ नहीं, आपने फैसला लिया है तो सही लिया होगा। पता है तू कहाँ जा रही है? चंडीगढ़ के टॉप कॉलेज में और टॉप हॉस्टल में, ठीक है? सच्ची पापा? हाँ। थैंक यू सो मच। अभी अपनी मम्मी को बताइए, ठीक है? और जल्दी से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ना मेरे को भेज दे, मेरे को अपने दोस्त को भेजने। अरे उसी की वजह से तो मिड टर्म में जा रही है, ठीक है? और सुन, तेरे को जो भी शॉपिंग करनी है ना, कर ले, कार्ड मेरा ले लेना। पर पापा, मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना। अरे ज्यादा दूर थोड़ी ना हूँ, एक कॉल मारेगी मैं आ जाऊंगा, कह दूंगा कि बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, ठीक है? जा बेटा, ट्रिप पे जा रहे हैं। ओके। जा 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 जा। अरे तेजू बेटा, सब कुछ ले लिया ना? पैसे वैसे रख लिए अपने पास, डॉक्यूमेंट्स? ठीक है, बाय पापा। बेटा देख, हो सकता है जिंदगी ने तेरे को वो खुशियां नहीं दी जो कि तू डिजर्व करती थी, पर मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तेरे को गर्ल्स हॉस्टल में वो सारी खुशियां मिले जो तू डिजर्व करती है, और तू लाइफ खुल के जिए। अब जा जल्दी, लेट हो रहे, चल। ठीक है, बाय पापा। बाय। बाय हर्ष। इसे छोड़ के आ रहा हूं नीचे। तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल तेजस्वी बचानी को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप लोग एपिसोड 2 चाहते हो, वो भी जल्द से जल्द, तो बहुत सारे कमेंट कर दो, भर दो और बहुत सारे लाइक दे दो मेरी वीडियो को। और आखिरी में नीचे सब्सक्राइब भी कर देना। और आखिरी में बाय बाय, लव यू, बाय बाय।